देखिए, ये जो अभी हमारा रेस्क्यू और रिट्रीवल ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन के जो बेसिक प्रीमाइस हैं, उन प्रीमाइसिस में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू वर्क और रिट्रीवल वर्क ठीक से हो जाए। ज्योग्राफिकली हमने इस लोकेशन को डिवाइड किया है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस को ध्यान में रखते हुए, जो ड्राउनिंग वगैरह के पहले भी यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं कि डेड बॉडीज़ या पानी में बहने वाली बॉडीज़ किन किन जगहों पर मिलती हैं, उन जगहों पे भी हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है। और हमारा मेन इसमें फोकस ये है कि जो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, हमारा फोकस ये है कि हम रेस्क्यू अच्छे से करें और साथ साथ में जो रिट्रीवल ऑपरेशन है उसको भी सही तरीके से करें। इसमें कई तरह के चैलेंजेस एमर्ज हो रहे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है ये, 85 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एरिया में हमको सर्च और रिट्रीवल ऑपरेशन कैरी आउट करना है। और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन इट्स आल्सो चैलेंजिंग, फ्यू प्लेसेस आर क्वाइट इनएक्सेसिबल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड, एनडीआरएफ, आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो सीआईएसएफ, सभी लोग हम मिलके जो है उसमें अपना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जिलाधीश शिमला हैं, उनके नेतृत्व में सारा कार्य किया जा रहा है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अपने काम को जल्दी भी करें, एक्सपीडिशियसली करें और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो इसी सब चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। और आई एम होपफुल कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ड्रोन्स, लाइक डॉग्स को भी अभी हम बुला रहे हैं और बाइनोकुलर्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि इनएक्सेसिबल एरिया को हम सर्च कर सकें विद टेक्नोलॉजी आल्सो। तो सब चल रहा है। अभी तक जो है वो रिपोर्टेड मिसिंग जो है वो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 40 के पास, 36 to 40 लोगों की मिसिंग का जो है वो डेटा है हमारे पास, तो वो सब आइडेंटिफाइड है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो लोग जिनकी लोकेशन नहीं मिल रही है या जो यहाँ से मिसिंग जो बताए जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों की पहचान के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमने टीम्स बनाई हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी हमने गठित की हैं ताकि जो मेडिको लीगल प्रोसीजर किया जाता है इस तरह की परिस्थितियों में वो भी ठीक से हो सके। अभी तक हमको 2 बॉडीज मिली हैं और एक डैम में मिली है तीसरी बॉडी पिछली शाम को, तो उनकी सबकी पहचान करवा रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, ड्रोन्स की भी हेल्प ले रहे हैं।